नमस्कार दोस्तों, किरण की रसोई से मैं आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे होंगे मैं कटोरी में जो है लड्डू को घुमा रही हूँ। और ये घुमा क्यों रही हूँ, ये वीडियो में मैंने शेयर किया है। ये देखिए कितना अच्छा हमारा लड्डू डेकोरेट होके तैयार हुआ है। और इस वीडियो में मैं लड्डू बनाने के साथ साथ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए झटपट से हम ये घर के सामानों से ही बेसन के लड्डू बनाना और डेकोरेशन करना सीखें। झटपट से हम बेसन के लड्डू बना करके तैयार करेंगे। तो एक कढ़ाई में हम आधा कप देशी घी डालेंगे। देशी घी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है लड्डुओं का। इस घी को हम गर्म होने देते हैं। हल्का गर्म हो गया हमारा घी। इसमें हम नॉर्मल बेसन जो घर में यूज करते हैं वो एक कप बेसन हम डाल रहे हैं। इसमें जो रेशो है अगर परफेक्ट होता है तो लड्डू हमारे हमेशा अच्छे बनते हैं। तो बेसन का आधा हमें घी यूज करना है और आधा ही हमें मीठा यूज करना है। तो बिल्कुल कम आंच पर हम इसे 2 से 3 मिनट इस बेसन को चलाएंगे। तो 2 से 3 मिनट हम इस बेसन को सेकते हैं। आंच हमने बिल्कुल कम कर रखी है, बिल्कुल कम आंच पर ही हमें इसको सेकना है। इन लड्डुओं के लिए जो भी आप रेगुलर बेसन यूज कर रहे हैं, बारीक मोटा जो भी बेसन आपके पास है, उसी से आप ये टेस्टी दानेदार लड्डू बना करके तैयार कर सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट हो गए इस बेसन को हमें भूनते हुए। अब इसमें हम 1/4 कप या 4 टेबल स्पून सूजी डालेंगे। सूजी भी आप मोटी बारीक जो भी आपके पास अवेलेबल है उसी से आप बना लें। बिल्कुल परफेक्ट बनेगा क्योंकि जो मेजरमेंट बता रही हूँ इससे आपकी अगर सूजी मोटी भी होगी तब भी लड्डू अच्छे बनेंगे, बारीक बेसन होगा तब भी आपके लड्डू अच्छे बनेंगे। तो जो भी सामान आपके पास उपलब्ध है उसी से आप ये आज बना के तैयार कर सकते हैं। ऐसी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अब हम इसको लो फ्लेम पे अच्छे से कलर चेंज होने तक इस बेसन को भूनेंगे। और ये देखिए काफी अच्छा हमारा जो टेक्सचर है और फिर ये घी वापस रिलीज करेगा। तब तक हम इसको लो फ्लेम पे ही अच्छे से सेकेंगे, लगातार चलाते रहेंगे। इसकी भुनाई हमें बिल्कुल भी तेज आंच पे नहीं करनी है वरना टेस्ट जो है लड्डुओं का वो अलग लगेगा। आपको ऊपर से तो टेस्ट आएगा सिकने का लेकिन अंदर से जो एक कच्चेपन की खुशबू आती है उससे आपको लड्डू जो है भाएगा नहीं। ये लड्डू ऐसे आप महीने भर तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। हालांकि महीने भर तक तो ये टिकेंगे नहीं क्योंकि खाने में इतने टेस्टी लगेंगे कि आप इसको झटपट से ही खा जाएंगे। तो इसलिए ये रेसिपी जो है आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो देखिए सिकते सिकते हमारा जो बेसन है काफी फूलता जा रहा है और घी भी वापस छूट रहा है। लेकिन अभी हम इसको कलर चेंज हो करने तक सेकेंगे। कलर चेंज होने पे दिखने में और खाने में लड्डू अच्छा लगता है। और ये देखिए आप ये ना सोचे कि घी जो है ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट नाप ही है। तो इसको हम अच्छे से सेक लेते हैं कलर चेंज होने तक। इस टाइम आंच को बिल्कुल भी तेज नहीं करेंगे, कम आंच पे हम इसको सेकेंगे लेकिन लगातार हम चलाते रहेंगे चम्मच को। बेसन को सिकने में थोड़ा टाइम लगता है, मोटा बेसन जो है वो तो जल्दी सिक जाता है लेकिन नॉर्मल बेसन या बारीक बेसन जो होता है उसे टाइम लगता है। लेकिन हमें इसमें बस यही ध्यान रखना है कि कम आंच रखनी है। तो उस पर आप चाहे मोटा बेसन सेकें चाहे बारीक बेसन सिकें, इक्वली सिकेगा कम आंच पर लगातार चलाते हुए रहने से। तो इसकी पहली शर्त यही है कि आप इसको कम आंच पर सेकें, दूसरा ये कि आप इसको लगातार चलाएं ताकि सब तरफ से बेसन जो है हमारा सिकेगा। बारीक बेसन थोड़ा टाइम ज्यादा ले लेता है लेकिन हम लगातार चलाते हैं तो अच्छे से सिकता है वो। और ऐसे ही मोटा बेसन जो है लगातार चलने से इक्वल सिकता है। और सूजी भी जो है थोड़ा सा टाइम लेती है सेकने में। तो जब सूजी भी अच्छे से सिकेगी तभी हमारे लड्डुओं का जो टेक्सचर है वो दानेदार होगा और अच्छा खुशबूदार होगा। तो अच्छे से सिकने आया है हमारा बेसन। देखिए घी भी जो है अलग हो रहा है, काफी पतला हो गया है हमारा ये लिक्विड फॉर्म में हो गया बेसन। ये देखिए थोड़ा सा और सेकेंगे। इसके साथ ही इस टाइम हम काजू बादाम पिस्ता जो है ये भी बारीक कटे हुए डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें अपना चाहे तो ना डालें, लेकिन सर्दी है तो अच्छे लगते हैं ड्राई फ्रूट्स। और ड्राई फ्रूट्स को भी इस टाइम मैंने डाल दिया है ताकि बेसन की सिकाई के साथ जो घी रिलीज हो रहा है उस घी में ये भुन जाएंगे काजू बादाम पिस्ता, तो ये भी क्रंची टेक्सचर देंगे। और अगर आप बिना सिक्के डालना चाहें तो आप बाद में भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इस टाइम डालूं तो देखिए इसमें जो है एक अलग ही खुशबू और अलग ही क्रंचीनेस आ जाएगी ड्राई फ्रूट्स में भी।
और इसी के साथ मैं देखिए इसको सेक रही हूँ, थोड़ा सा कलर और चेंज करेंगे अभी हम। तो एक दो मिनट ड्राई फ्रूट्स को हो गए मुझे भूनते हुए। इसी के साथ मैं आधा कप नारियल का बूरा भी डाल दूंगी, ताकि नारियल की बूरे की भी अच्छे से भुनाई हो जाएगी इस घी में। सारा काम हमें लो फ्लेम पे ही करना है, आंच बिल्कुल भी तेज नहीं करनी है। और ये देखिए खुशबू आएगी इस नारियल की भी, अच्छे से भुनाई होगी तो टेस्ट भी देगा और अच्छा सा टेक्सचर भी देगा हमारे लड्डुओं को। तो अभी देखिए घी जो है सारा खत्म हो गया और इसी में हम इसकी सिकाई करेंगे और अभी थोड़ा और कलर चेंज कर लेंगे हम। इस टाइम जो ध्यान रखने वाली बात है, नारियल डालने के बाद हमारा मिश्रण जो है पहले एकदम से टाइट हो गया था और एक दो मिनट हम इसको भून रहे हैं तो फिर से हमारा घी जो है रिलीज हो रहा है। और इस घी को रिलीज करना जरूरी है ताकि इसके साथ थोड़ा बेसन हमारा अच्छे से कलर भी चेंज कर लेगा और घी रिलीज हो जाएगा। उसके बाद हम ठंडा करके जब इसमें शक्कर मिलाएंगे तो हमारे लड्डू में प्रॉपर मॉइस्चर रहेगा। और इस टाइम अगर हमने जल्दी से घी रिलीज नहीं होने दिया और पहले ही बंद कर दिया तो फिर हमारे लड्डू जो हैं वो टाइट बंधेंगे, बाइंडिंग में दिक्कत आएगी। तो इसलिए हमें इसमें घी छूटने तक इसको फिर से पकाना रहना चाहिए ताकि हमारे जो बाद में लड्डू बंधेंगे वो इजीली बंधेंगे। तो देखिए इसमें जो है घी फिर से आपको दिख रहा होगा, ये देखिए अलग होने आया है, इतना पतला हमारा मिश्रण होना चाहिए लड्डुओं का। तो हमारे जो ये घी है ये अच्छा सा रिलीज हो रहा है, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया हमारा मिश्रण। और अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे और इसको किसी दूसरी थाली में ट्रांसफर कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारी कढ़ाई जो है काफी गर्म है तो इससे बेसन और ज्यादा कड़क हो जाएगा। तो अभी हम इसको दूसरी प्लेट में ले लेते हैं। हमने इसे ठंडा होने के लिए दूसरे बर्तन में खाली कर दिया ताकि इसकी जो ओवर कुकिंग है वो रुक जाए। और इसको हम हाथ से देखिए इस तरीके से हिला के जल्दी से ठंडा कर लेंगे। तेज गर्म में कभी भी आप चीनी ना डालें, अगर तेज गर्म में डालेंगे तो एक तो हमारे लम्स हो जाएंगे चीनी में और लड्डू हमारे टाइट हो जाएंगे क्योंकि चीनी जो है मेल्ट हो जाएगी। जबकि चीनी को हमें इस फॉर्म में डालना है कि इसका ये जो गीलापन है इसको वो बिखरा हुआ रूप कर दे और लड्डू हमारा आसानी से बंध जाए, क्योंकि इतने गीले में हम बांध नहीं सकते। और इतने गर्म में अगर हम चीनी को डाल देंगे तो हमारा मिश्रण जो है और भी ज्यादा गीला हो जाएगा और फिर बढ़िया लड्डू नहीं बनेगा, वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इसमें आप घर की पीसी हुई नॉर्मल चीनी का बूरा भी यूज कर सकते हैं या तगार बना करके यूज कर सकते हैं। तगार बनाने की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर कर रखी है काफी डिटेल में, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें ताकि आप घर पर ही बहुत बढ़िया सॉफ्ट जो है तगार बना सके, या फिर आप बाजार का रेडीमेड बूरा भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो रेगुलर जो चीनी होती है उसे आप अच्छे से बारीक पीस करके इस रेसिपी में यूज कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो खुशबू के रूप में इलायची पाउडर यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है बिल्कुल, लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि घर में हमारे पास इलायची वगैरह रहती है तो इसका जो टेस्ट है काफी अच्छा लगता है हमें। तो इस इलायची को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मिश्रण हमारा हल्का ठंडा हो गया है, इलायची भी हमने मिला ली है और अब इसमें हम आधा कप चीनी का बूरा डाल रहे हैं। आप चाहें तो कम ज्यादा कर सकते हैं चीनी, वैसे परफेक्ट नाप है बेसन का आधा, मीठा इतना ही मीठा परफेक्ट लगता है, लेकिन अगर आप ज्यादा खाते हैं तो चम्मच दो चम्मच आप ज्यादा भी कर सकते हैं। देखिए गुनगुना होने के बाद जब हमने चीनी को डाला तो देखिए मॉइस्चर हमारा एकदम से बैलेंस हो गया, देखिए कितना अच्छे से हो गया, ताकि हम लड्डू आसानी से बांध सकते हैं इसमें। और अगर थोड़ी सी देर पहले डाल देते गर्म में तो क्या होता, चीनी भी पानी छोड़ देती और सॉफ्ट हो जाता हमारा मिश्रण। और इसमें इतना परफेक्ट नाप से घी है कि लड्डू जो है आप रख करके भी खाएंगे तब भी आपको बढ़िया सॉफ्ट लगेगा। तो ये देखिए अच्छे से हो गया, क्योंकि इसमें हमने चाशनी यूज नहीं करी है, तो लड्डुओं को सॉफ्ट करने के लिए ये ट्रिक्स आपको अपनाना बहुत जरूरी है कि कब आप चीनी डालें, कितना आप घी डाल रहे हैं, ये सब चीजें डिपेंड करती है लड्डू के मॉइस्चर को बाद तक मेंटेन करने के लिए, बाइंडिंग के लिए भी और लंबे समय तक इसको खाने के लिए भी। तो बिना चाशनी के देखिए कितना बढ़िया मॉइस्चर हमारे इसमें आ रहा है लड्डुओं का, और गुनगुना रहते ही हमें इसके लड्डू बांध लेने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, या तो आप हाथ से बांधें या फिर इस तरीके का कोई गहरा चम्मच हो
उसमें इस तरीके से प्रेस करें ताकि आपके लड्डू जो है एक नाप के बनेंगे। और ये देखिए बहुत आसानी से लड्डू जो है हल्के हल्के हाथों से हम प्रेस करते हुए बना लेंगे। लड्डू जो है बहुत आसानी से बाइंड हो रहा है, ज्यादा जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। और ये देखिए इस तरीके से हम लड्डू को बना लेंगे। तो लड्डू तो हमने बना लिए, नारियल के लड्डुओं को हम डेकोरेशन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो पिस्ता से, काजू से, लेकिन मैं नारियल के बूरे से कर लूँ। आप चाहें तो ये शक्कर के बूरे से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कटोरी में नारियल का बूरा लेंगे और इस लड्डू को इस तरीके से घुमाएंगे। तो देखिए तो इस तरीके से ये पूरा नारियल के बूरे में अच्छे से लपेट में आ जाएगा और हमारे लड्डू जो है बहुत सुंदर लगेंगे। तो हमारे लड्डू बनकर के तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं और दिखने में भी बहुत सुंदर बने हैं। और इसको डेकोरेशन के सारे टिप्स मैंने आपको काफी डिटेल में शेयर कर दिए इस वीडियो में। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप डेकोरेट करें। और देखिए बहुत सुंदर बने हमारे लड्डू। तो आप इन लड्डू को इस तरीके से एक बार बना करके जरूर देखें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक लड्डू मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। देखिए कितना मॉइस्चर और कितना दानेदार लड्डू है हमारा, बहुत ही सुंदर बना है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करें।